अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ थोड़ी सी रूटीन और रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और थैंक यू सो मच कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो अब आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरी वीडियो को उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा वॉच करेंगे ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इधर जी, जैसा कि मैं अम्मी की तरफ आई थी तो ये लेट नाइट हमारा दिल किया कि क्यों ना कुछ ऑर्डर किया जाए। और फिर भाई ने पिज़्ज़ा, विंग्स और ये बर्गर ऑर्डर कर दिए। ये डील हम लोगों ने मंगवाई थी तो ये बहुत ही यम्मी था। यहाँ तकरीबन टाइम हो चुका था 1:10 थे, 12:45। तो इधर हम लोगों ने फिर जी पिज़्ज़ा और विंग्स वगैरह इंजॉय किए। उसके बाद मैं कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो नेक्स्ट डे था जी सहरी का। तो सहरी में हम लोगों ने इधर सहरी में खाया था जी कद्दू और चिकन का सालन बना था, साल में पराठे थे और अंडा फ्राई किया था। तो अम्मी ने पराठा या कुछ नहीं खाना था क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने अपने लिए ब्रेड और अंडा बनाया था। यहाँ नाश्ता सहरी करने के बाद हम लोगों ने इधर चाय पी और फिर नमाज़े फजर अदा करने के बाद जी ये सुबह थोड़ा सा क्लिप मैंने हुसैन का बनाया था, फिर मैं सो गई थी। हुसैन इधर फीडर पी रहा था। फिर शाम में जी बनाने थे चाइनीज़ वो समोसी और रोल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो इधर चिकन को जी ले लिया था और फुल बॉयल करने के लिए ना रख दिया था। हल्का सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इसी के साथ दूसरी तरफ मैंने जी ये बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च इसको कट कर लिया था, तमाम वेजिटेबल्स को। और मटर हमारे फ्रीज हुए पड़े थे तो मटर को मैंने जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने लेके उनको पानी में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर वैसे रख दिया था कि चलें थोड़ी सी जो बर्फ़ इसमें है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने फिर मटरों को भी बॉयल ही किया था ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाएं। इधर फिर तमाम चीज़ें जब मैंने कटिंग कर ली, उसके बाद जी कढ़ाई ले ली थी, उसमें डाल लिया था हसबे ज़रूरत ऑयल। उसमें एक लहसुन का जवा मैंने ऐड कर दिया था। वैसे तो तकरीबन सभी को इसकी रेसिपी का पता होगा लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से बना रही हूँ तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। इधर फिर जी चिकन को बॉयल हो गया था तो उसके मैंने उसको ब्रीक ब्रीक रेशे कर लिए थे चिकन के, वो यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसी के साथ मैंने सिरका और सोया सॉस इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी। और ऐड कर दी थी इधर जी काले मिर्च का पाउडर और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। चिकन जब मैंने बॉयल किया था तो मैंने इतना नहीं डाला था तो मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया। जब चिकन हल्का सा ब्राउन मैन हो गया था तो उसी में मैंने ऐड कर दिए थे मटर। मटर जी ये मैंने बॉयल कर लिए थे। उसी के साथ फिर जब मटर और चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गए तो यहाँ गाजर और शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो यहाँ अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। इधर फिर मैंने जब बाकी सब्ज़ियाँ ऐड की तो थोड़ी सी सिरका और सोया सॉस जितनी की मुझे ज़रूरत लग रही थी तो वो मैंने ऐड कर दी थी। आप लोग यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने उसको यानी कि छोड़ दिया था। फिर यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया था जी बंद गोभी जो मैंने कट की थी, वो सारी ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद हम लोगों ने स्पाइसी थोड़े से बनाए थे तो काली मिर्च मुझे कम लग रही थी। तो फिर मैंने जब बंद गोभी ऐड की तो मैंने इसको मिक्स करके थोड़ा सा देख लिया था। तो काली मिर्च भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और ऐड की थी।
काले मिर्च ऐड करने के बाद ना, फिर इसको तकरीबन यहाँ 5 से 10 मिनट के लिए मैंने ढाँप के छोड़ दिया था। और इधर मटेरियल ना बिल्कुल रेडी हो चुका था, ठीक है। फिर मैंने इसको निकाल दिया था अलहदा, यानी कि चूल्हे से उतार के कढ़ाई में से निकाल के सारा मैंने इसको परात में डाल के ना फैला के रख दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। तो तकरीबन ये पड़ा ही रहा था आधा पौना घंटा, और जब अच्छे से ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने जी लेके आए हुए थे हम लोग समोसा पट्टी और रोल पट्टी बाज़ार से, तो बेकरी से मंगवाई थी। तो फिर इसकी भी फिलिंग हम लोगों ने की, सारी समोसियाँ और रोल रेडी किए। यहाँ मैंने ना ले लिया था मैदा, और उसको पानी के साथ उसका लिक्विड सा बना लिया था समोसा पट्टी और रोल पट्टी को बंद करने के लिए अच्छे तरीके से, ताकि वो ऊपर से चिपक जाए। तो वो मैंने ये बनाया था। अब यहाँ पे आप जी, वैसे तो अमूमन सबको ही ये बनाने आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ एक रोल और एक समोसी जैसे हम लोगों ने बनाई, मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप वीडियो में देखें। यहाँ समोसियाँ तकरीबन डन थी, और अब हम लोगों ने फिर साथ ही बनाए थे जी रोल। इस तरीके से आप लगाएंगे ना, तो इसकी साइड और ये सारी ऊपर से तमाम अच्छे तरीके से ना जब बंद हो जाएंगे, तो फिर आप जब इसको घी में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल इसमें से मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने इसको अच्छे तरीके से कवर किया होगा। यहाँ हमारी समोसियाँ और रोल बनके डन हो गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है और शेयर करना है। इधर जी फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ खाला ने करवाई थी अफ्तारी, उन्होंने ख़त्म दिलवाना था तो खालू का, तो जी उन्होंने देख बनाई थी, तो साथ में थी पकौड़े थे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह दूध सोडा, और उन्होंने अफ्तार कराया था तो मैं उधर गई थी जी। ये है जी मेरा कज़न, वो पहले से ही डोसे से चावल इंजॉय कर रहा था, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।